हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप सब लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो कुर्ता कुर्ती सेट हॉल। और सो गाइस, कुर्तों के साथ साथ आज आपके साथ मैं एक व्हाइट कलर की सीक्रेट पैंट भी शेयर करने वाली हूँ, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि इसके बॉटम में बहुत ही अच्छी लेस का वर्क हो रखा है। और गाइस, लेस वाले बॉटम पैंट तो आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, और व्हाइट कलर की जो पैंट है वो किसी भी कुर्ते के साथ बहुत इजिली आप टीम अप कर सकते हो। ऑल्सो गाइस, जितने भी लिंक्स हैं या कोड्स वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला जो कुर्ता सेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो टू पीस कुर्ता सेट है, यानी उसके साथ कोई भी दुपट्टा वगैरह नहीं है, बट ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल था और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी आई है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत स्किन कलर का कुर्ता है, और फ्रंट पर यहाँ पर अगर आप इसकी नेक डिटेलिंग देखेंगे तो यहाँ से जो नेक है वो उसका राउंड है, और आगे छोटा सा वी कटआउट है कि इसके ऊपर सिप्पियों की कढ़ाई हो रखी है, जो कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो कितना ज्यादा शाइन रही है। और अगर इसमें साइज की बात की जाए तो मैंने इसके अंदर साइज लिया है एक्सल, बट ये मुझे कमर से काफी ज्यादा लूज है, सो या तो मुझे इसे रिटर्न करना पड़ेगा या इसे मैं ऑल्टर करवा लूंगी। ऑल्सो गाइस, अगर इसकी स्लीव्स की बात की जाए तो 3/4 स्लीव्स है, और स्लीव्स पर भी सेम उसी तरीके का यहां पर आप देख सकते हैं सिप्पियों का वर्क हो रखा है। इसके साथ साथ फ्रंट साइड पर जो स्लिट लगी है उस पर भी कुछ इस तरीके की लेस लगी हुई है, जिसके ऊपर सेम उसी तरीके की सिप्पियों की कढ़ाई है, बट पीछे से जो पीछे की तरफ स्लिट है वो बिल्कुल प्लेन है। पीछे से देख सकते हैं कि कुर्ता बिल्कुल प्लेन है और कुछ इस तरीके का इसके ऊपर ये पैटर्न बना हुआ है। इसके साथ साथ गाइस, अगर इसके फैब्रिक की बात की जाए तो कॉटन और रेयन का मिक्स ये फैब्रिक है, और काफी ज्यादा सॉफ्ट है। इवन की जब आप इसे वॉश कर दोगे उसके बाद ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और गाइस, अगर इसके बॉटम की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिलती है अफगानी सलवार, और सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का दोनों साइड आपको इलास्टिकेटेड बैंड मिलता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको इसकी सलवार में मिलता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हल्की हल्की सी आपको इसके अंदर रेड छोटी छोटी बिंदियां भी नजर आएंगी। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटम पर भी दोनों साइड लेस लगी हुई है, वही सेम लेस जो इसकी स्लिट्स पर आपको मिलती है वो इसके बॉटम पर भी आपको मिलती है। और गाइस, अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो मैंने इसके लिए पे किए थे 459 रुपीज, और इसके साथ आप किसी भी तरीके का दुपट्टा कैरी कर सकते हो, आप स्किन कलर का दुपट्टा कैरी कर सकते हो, और नॉर्मली हमारे पास ब्लैक दुपट्टा तो होते ही है, सो ब्लैक दुपट्टा भी इसके साथ ईजीली चला जाएगा। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम समर्स अपने पीक पर हैं, और इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, और अगर आप बिना सनस्क्रीन लगाए घर से बाहर निकलते हो तो सन एक्सपोजर की वजह से आपकी स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि आपकी स्किन पर टैनिंग हो सकती है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है, और आपकी स्किन एज करती है। सो इसलिए गाइस, आप कुछ और लगाओ या ना लगाओ, बट सनस्क्रीन आपको जरूर अप्लाई करनी चाहिए। इसलिए जो सनस्क्रीन आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो स्पेशली इंडियन वेदर के अकॉर्डिंग बनी है, और इंडियन जो स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सो गाइस, मैं बात कर रही हूं ममा अर्थ की बीट रूट हाइड्रा फुल सनस्क्रीन विद बीट रूट एंड हाइलुरोनिक एसिड विद SPF 50 PA 4 टाइम प्लस। ऑल्सो गाइज, ये जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ऑयल फ्री है। और गाइज, अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो इसका जो प्राइस है वो है 399 फॉर 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। ये आपको UVA और UVB दोनों रे से प्रोटेक्ट करती है, नॉन स्टिकी है, और ऑल स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ गाइज, अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो इसके जो मेन दो इंग्रेडिएंट है वो है बीटरूट और हाइलुरोनिक एसिड। सो गाइज, बीटरूट आपकी स्किन को एक पिंक ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन बहुत ही ग्लोई सी, बहुत ही पिंकी पिंकी सी नजर आती है। ऑल्सो इसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड, जो कि आपकी स्किन में एक हाइड्रेशन बूस्टर का काम करता है, और आप बहुत ही लंबे टाइम तक आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और सफल रखता है। उसके साथ साथ गाइस, अगर इस सनस्क्रीन के टेक्सचर की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा क्रीमी फॉर्मूला है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं देता है, क्योंकि ज्यादातर जो सनस्क्रीन है उनमें यही इशू आता है कि वो आपको एक अजीब सी वाइट कास्ट देता है, और बहुत सी सनस्क्रीन जो होती है वो पील भी होती है, बट इसके केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है ये इंडियन वेदर और इंडियन स्किन टाइप के लोगों के हिसाब से बनाई गई है। और गाइस, अगर बात करें ममा अर्थ की तो ममा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और एक इंडियन ब्रांड है। Also guys, Mama Earth listens to you, so use their products and share your feedback. They improved their onion shampoo based on your input. Plus, they are also upgrading their products through research and innovations for better quality. Although guys, ये जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, बट एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड जो यहाँ स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है विच इज AMBI2024 उसे यूज कर आप इनकी ऐप और इनकी वेबसाइट पर 20% फ्लैट डिस्काउंट अवेल कर सकते हो।
उसके साथ साथ गाइस ममा के सारे प्रोडक्ट्स आपको उनकी ऐप पर और उनकी वेबसाइट पर तो मिल ही जाएंगे, बट उसके अलावा भी आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, हर जगह इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। और ऑल्सो गाइस आजकल तो इनके ऑफलाइन स्टोर्स भी आपके नज़दीक के जो मार्केट्स हैं उनमें आपको मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आपको इनका कोई भी स्टोर नजर आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट कुर्ता सेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये प्रॉपर थ्री पीस कुर्ता सेट है, यानी कि इसके साथ आपको दुपट्टा भी मिलता है। सो ये बहुत ही खूबसूरत ब्लू ब्लैक के कॉम्बिनेशन का कुर्ता सेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो मैंने साइज लिया है वो है साइज लार्ज, और ये बिल्कुल परफेक्टली मुझे फिट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का राउंड नेक आपको मिलता है, और आगे से काफी बड़ा वी का कट यहाँ पर मिलता है, और नेक पर इसका जो बॉटम है कुछ उसका कपड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। और इसकी भी जो स्लीव है वो 3/4 स्लीव्स हैं, और सेम वही जो फैब्रिक इसके बॉटम का है वो यहाँ पर लगा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरीके की बूटियों का डिजाइन इसके ऊपर बना हुआ है, और जो कुर्ते की लेंथ है काफी लंबा कुर्ता है, इसकी जो लेंथ है वो है 46, और इसका जो फैब्रिक है ये प्योर कॉटन फैब्रिक है। गाइस अगर इसके बॉटम की बात की जाए तो इसके अंदर आपको स्ट्रेट पैंट मिलती है, और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का पैटर्न इसके ऊपर बना हुआ है, वह है अलग अलग कलर्स की स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर बनी हुई है। वेस्ट पर आपको दोनों साइड इलास्टिकेटेड बैंड मिलता है, और इसके अंदर किसी भी तरीके की पॉकेट आपको नहीं मिलती है, देख सकते हैं कि कुछ इतनी इसकी लेंथ मिलती है और इतना आपको इसके अंदर फ्लेयर मिलता है। ये एक प्रॉपर सिगरेट पैंट की तरह आपको फिट होगी। और गाइस बॉटम का फैब्रिक भी प्योर कॉटन है, और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है, और धोने के बाद ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ गाइस इसके अंदर आपको मिलता है एक अच्छी लेंथ का दुपट्टा, और दुपट्टे के ऊपर आप देख सकते हैं कि सेम जो बॉटम के ऊपर जो डिजाइन है वही आपको दुपट्टे पे मिलेगा, बट दुपट्टे के जो एंड्स हैं वहां पर आपको जो कुर्ते का पैटर्न है वो मिलेगा। और उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दुपट्टे की लंबाई काफी अच्छी है, बिल्कुल भी शॉर्ट दुपट्टा नहीं है, और उसके साथ साथ इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौड़ाई भी अच्छी खासी है, और दुपट्टे का साइज भी काफी अच्छा है। और गाइस अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसके लिए मैंने पे की है 672 रुपीज, और उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी, इसके कपड़े की क्वालिटी, इसकी लुक बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस नेक्स्ट पीस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसके साथ आपको कोई भी बॉटम या कोई दुपट्टा तो नहीं मिलता है, लेकिन इसकी जो लुक है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट आज की जो हॉल का ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कुर्ता है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉट पिंक कलर या मजंटा कलर का कुर्ता है, और सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी नेक लाइन दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम वैसे ही राउंड नेक आपको इसके अंदर मिलता है, और आगे से छोटा सा वी कटआउट है। और फ्रंट पर अगर आप इसकी कढ़ाई देखेंगे तो गोल्ड के थ्रेड से कढ़ाई की गई है, उसके अंदर बहुत सारी सिप्पियां हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 3/4 इसके अंदर स्लीव्स मिलती हैं, और स्लीव्स के एंड पर सेम वही आपको कढ़ाई का वर्क मिलता है, इसके अंदर भी गोल्डन थ्रेड और सिप्पियों का काम हो रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैक से ये कुर्ता बिल्कुल प्लेन है, और अगर इसके अंदर साइज की बात की जाए तो मैंने इसके अंदर पिक किया है लार्ज साइज, और ये मुझे प्रॉपरली फिट हो रहा है। उसके साथ साथ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लिट्स पर भी आपको सेम उसी तरीके का गोल्डन जो थ्रेड है उसका काम मिलता है, और इसके अंदर भी आपको सिप्पियों का वर्क मिलता है, बट पीछे की जो स्लिट है वो बिल्कुल प्लेन है, और कुर्ते के बॉटम पर भी आपको कुछ इस तरीके का कढ़ाई का वर्क मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इतना ज्यादा शाइन करती हैं सिप्पियां, इतना ज्यादा खूबसूरत लगता है ये कुर्ता। इसके फैब्रिक की बात की जाए तो गाइस इसका जो फैब्रिक है वो है रेयॉन, और इसके लिए मैंने पे किए हैं 295 रुपीज, और 295 के हिसाब से आप इसकी लुक देख सकते हैं, ये कहीं से भी 295 का कुर्ता नहीं लग रहा है, और इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही बढ़िया आती है। तो मेरी तरफ से तो ये जो पर्टिकुलर कुर्ता है ये हाईली रिकमेंड है गाइस, इसके अंदर आपको बहुत से साइजेस अवेलेबल है, इसके अंदर आपको 4XL या 5XL तक साइजेस मिल जाते हैं, और कलर्स भी इसके अंदर बहुत सारे हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर पिक कर सकते हो। सो गाइस इसी कुर्ते के साथ टीम अप करने के लिए मैंने एक वाइट कलर की स्ट्रेट पैंट ली है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रेट पैंट है, दोनों साइड आपको इलास्टिकेटेड बैंड मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी सिर्फ आपको एक साइड पॉकेट मिलती है और दूसरी साइड पॉकेट नहीं मिलती, यानी कि एक ही पॉकेट आपको इसके साथ मिलती है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इतना आपको इसके अंदर फ्लेयर मिलता है, और नीचे बहुत ही खूबसूरत इस तरीके का क्रोशिया का काम हो रखा है, और इस तरीके के बॉटम्स आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, और पहने हुए भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। इसका जो फैब्रिक है वो है रेयॉन, और काफी ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक, और बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो मैंने इसके लिए पे किए थे 360 रुपीज, और इसके अलावा भी जैसे मैंने कुछ इस तरीके के डिजाइन को चूज किया है वहां पर और भी अलग अलग डिजाइन है, आप वहां से जाके और भी अलग डिजाइन चूज कर सकते हो, बट मुझे पर्टिकुलरली ये डिजाइन ज्यादा पसंद आ रहा था, इसी वजह से मैंने इसे परचेज किया।
ऑलराइट गाइस, ये था आज का मीशू हॉल। आई होप आपको ये हॉल जरूर पसंद आया होगा, और इसमें से अगर आपको कोई भी पीस पसंद है तो सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।